कांग्रेस का सबसे बड़ा कारण है कि हिन्दुस्तान में अन्याय घट रहा है। गरीबों का अन्याय, किसानों में गिराव अन्याय, मजदूरों में गिराव अन्याय, महिलाओं में गिराव अन्याय। अगर आप गरीब हो, आपके साथ क्या भी संख्या इस देश में अन्याय होगा, तो नफरत का कारण अन्याय है। और इसीलिए आपने भारत छोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द बोल दिया है। अब यहां भी इसे मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी दिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने हैं? जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? 8% आगे कितना हुआ? कितना हुआ? अब आप हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, और आपको मिलेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, पता लगेगा 88% में एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 88% का एक वहां पर नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। तो आप लोग हो कहा? आपके लोग है कहां? मैं बताता हूं, आपके लोग मनरेगा की लिस्ट में होंगे, आपके लोग पटना केबल की लिस्ट में होंगे, आपके लोग मजदूरी करते हैं। यही हमें बदलना है, यही न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है। भाइयों बहनों, हिन्दुस्तान के बजट को